त्राहि त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, अशरण शरणा त्राहि त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम। त्राहि त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, अशरण शरणा त्राहि त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, अशरण शरणा त्राहि त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, अशरण शरणा त्राहि त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, अशरण शरणा त्राहि माम। त्राहि त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, रक्ष रक्ष मां, रक्ष रक्ष मां, अशरण शरणा रक्ष रक्ष मां, रक्ष रक्ष मां, रक्ष रक्ष मां, अशरण शरणा रक्ष 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 मां, रक्ष रक्ष मां, अशरण शरणा रक्ष रक्ष मां, रक्ष रक्ष मां, रक्ष रक्ष मां, अशरण शरणा रक्ष रक्ष मां। त्राहि त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, त्राहि त्राहि माम, पाहि पाहि माम, पाहि पाहि माम, अशरण शरणा पाहि पाहि माम, जय राधे जय माधव, त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां। मीरा जी का चरित्र चल रहा है। मीरा
अपनी माँ कुसुमबाई जो मरणशैया पे पड़ी थी, उनको बचाने के उद्देश्य से उनकी इच्छा पूरी किया, विवाह किया। लेकिन अपनी माँ से उसने एक शर्त लगा लिया था कि मेरा पति गिरधर गोपाल ही रहेगा। माँ ने कहा था ठीक है, राजाओं के अनेक ब्याह होते हैं, तुम हमारी बात रख दो। विवाह करके गई, डोला से उतरते मान कलह हो गया। राजमाता राणा सांगा की स्त्री राजमाता महारानी ने कहा देवी पूजन चलो, नहीं पूजा किया। बोलिए मस्तक गिरधर लाल के लिए बिक चुका है और कहीं नहीं झुकता है। इस पर बहुत क्रुद्ध हुई राजमाता, राणा सांगा से उन्होंने अविलंब इसका दंड देने की प्रार्थना किया। सामने आके तो नहीं मार सकते थे क्योंकि राठौरों की बड़ी भारी सेना थी, फूट पड़ जाती, विष का प्याला भेजा था। कल हमने सुनाया था उन्होंने विष इसलिए पिया था, बड़ा दिव्य विचार, गरल पठायो सो तो शीश ले चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि झार ना संभारी है। साधु संग का त्याग ये ऐसा विष उन्होंने पीना अच्छा नहीं समझा। ये विष तो एक शरीर को ही मारेगा, भक्त संग छूट गया तो अनंत जन्म का नाश हो जाता है, ये प्रियदास जी ने लिखा है कि साधु संग छोड़ दो, इस विष से ये जहर पीना अच्छा था इसलिए जहर पी लिया, साधु संग नहीं छोड़ा। पहले तो भूत महल में भेजा गया था, वहां सब भूतों को उद्धार हो गया, फिर विष दिया गया, विष से उनकी कांति और बढ़ गई, चमक। उसके बाद क्रोध बढ़ता गया, हमारी राजपूतानी शान चली गई, इस स्त्री ने इसलिए अब इसका शीश काटना ही पड़ेगा। जो उनके प्रधान सेक्रेटरी बीजा, उन्होंने विष भेजा था दयाराम पंडा के द्वारा, ये सब सुना चुके हैं विस्तार से। अब ये कुचक रचा गया था, कल सुनाया था कि किसी समय साधु इसके पास बैठा हो तो सिर काट दिया जाए, कि दोनों को व्यभिचार में पकड़ा गया,
गुप्तचर लगा दिए गए कि रात को अगर साधुओं के लिए रुकावट नहीं थी मीरा के उस भूत महल में। और उस दिन साधु कोई नहीं आया, श्री कृष्ण ही रात में खेल रहे थे मीरा जी के साथ। भगवान नर लीला करते हैं, आज भी करते हैं, भक्तमाल में अनेक भक्तों के साथ सुना चुके हैं हम, अष्टछाप के महाकवियों के साथ, गोविंद स्वामी के साथ, चतुर्भुज स्वामी के साथ, कुंभनदास जी के साथ, भगवान आज भी नरलीला करते हैं। तो मीरा जी के साथ भी वो उस दिन जानबूझ के ऐसे जोर से हंसे थे कि गुप्तचरों को पता पड़ गया कोई मीरा के पास पुरुष है। राणा जी तलवार लेके आए थे और उन्होंने कहा खोल, मीरा ने किवाड़ खोल दिए। श्री कृष्ण तो प्रतिमा में लीन हो गए। यहां तक कल कथा हुई थी। राजे गिर धारी लाल तिनही सो रंग जाल, इसके पहले राणा तलवार लेके दौड़े थे। राणा ने लगायो चर बैठे साधु ढिंग ढर, तब ही खबर कर मानो यह है धारी है। मारो यह धारी है, आज सिर काट देंगे इसका, इस मीरा का, ये धारण करके चले। यहां श्री कृष्ण राजे गिर धारी लाल तिनही सो रंग जाल, बोलत हसत ख्याल कान परी प्यारी है। बड़े जोर से श्याम सुंदर हंसे। गुप्तचरों ने दौड़ के कहा कोई पुरुष है वहां। आए के सुनाई भई अति चपलाई, चपल लाई बहुत तेज दौड़े, लिए तरवार दै की वार खोल न्यारी है। खोलो, किवाड़ खोल दिया, न्यारी खाली मीरा मिली। श्री कृष्ण विग्रह में लीन हो गए। राणा जी ने पूछा कौन था तेरे साथ हंस रहा था। जाके संग रंग भीज करती प्रसंग नाना, किसके साथ तू रंग कर रही थी। कहा वह नर
गयो बेगी दए बताइए। वो कहां चला गया जल्दी बता। मीरा बोली आगे ही बिराजे तुम्हारे आगे तो हैं। गिरधारी लाल की मूर्ति इसकी ओर कहा आगे ही बिराजे। जय कछु तो सो कही ला जय। ये लज्जा तो नहीं करते हैं सामने खड़े हैं। अभू देख ही सुख सा जय देख लो आंखें खोली दरस आइए। आंखें खोल के देख लो राणा जी राणा को क्या दिखाई पड़ेगा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मीरा को तो साक्षात दिखाई पड़ रहा है श्री कृष्ण खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं। राणा को नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे ही बिराजे कछु तो सो कहीं लाजे अभू देखी सुख साजे आंखें खोल इधर साइए। राणा जी आंख खोलो देखो श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। लेकिन आंख नहीं खुल सकती है हम सबकी आंख बंद है। महात्माओं ने लिखा है द्रुदा जी ने यह धाम प्रत्यक्ष अपनी चिन्मय ज्योति फैला रहा है। प्रगट जगत में जगमगए वृंदा विपिन अनूप नयन अछत दिसै नहीं यह माया को रूप। ये चिन्मय धाम है सूर्य चंद्रमा आदि भी इसके सामने कुछ नहीं है ऐसा प्रकाशमय। लेकिन हमारी आंखों में माया का पर्दा है इसलिए वास्तविक बरसाना वास्तविक वृंदावन नहीं दिखाई पड़ रहा है।